तो जी हाँ साथियों, जय हिंद सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। डिस्कस करेंगे आज बहुत ही आसान सा टॉपिक, लैग कल्चर को। इसमें आपकी डिमांड थी बहुत से लोगों की, तो लैग कल्चर बहुत ही आसान है। देखो, ये इंसेक्ट से रिलेटेड कल्चर है, जैसे कि सेरी कल्चर था, कुछ कुछ वैसे ही ये भी है। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है इंसेक्ट पे। होता ये है कि एक इंसेक्ट होता है जिसे लेसिफर जो है लैका कहते हैं, वो कुछ प्लांट की ट्रीज पे रहता है और कुछ सिक्रेट करता है, कुछ जो है एक चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट करता है और अपने चारों ओर एक कवर बना लेता है, और उसी कवर को हम क्या बोलते हैं, लैक बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो साफ साफ, ये देखो ये लैक इंसेक्ट है। ठीक है, जैसे किसी प्लांट की ब्रांच में, जैसे कुछ प्लांट जैसे कि बरगद हो गया, पीपल हो गया, ठीक है, बबूल हो गया, उन प्लांट्स पे ये उन प्लांट्स की ब्रांचेस पे रहता है और ये अपने चारों ओर, देखो यहाँ पे ये अपने चारों ओर एक चिपचिपा पदार्थ जिसे रेजिन कहा जाता है, एक चिपचिपा पदार्थ अपने चारों ओर सिक्रेट करता है। जिस जो चिपचिपा पदार्थ है उसकी जो मोटाई है वो करीब करीब 2 से लेकर 3 इंच के आसपास होती है, और इसी को हम लैग कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैग बोलते हैं जब इसकी जो साइज है, जब इसकी जो मोटाई है 2 से लेकर 3 इंच हो जाती है। उसके बाद इस टहनी को काट के जो है पानी में डाला जाता है, और पानी में डालने के बाद ये लैग इससे अलग हो जाता है और इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि जूलॉजिकल नेम पूछ सकता है इसका जूलॉजिकल नेम पूछ सकता है आपसे कि लैक जो इंसेक्ट होता है उसका जूलॉजिकल नेम बताओ। तो इसका जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है क्या, लेसिफर लैका होता है। क्या होता है? लेसिफर लैका इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ लैक इंसेक्ट। ठीक है, जूलॉजिकल नेम ऑफ लैक इंसेक्ट, इसका नाम क्या होता है, लेसिफर लैका इसका जूलॉजिकल नेम होता है। ठीक है, और इसमें एक इसकी लाइफ साइकिल होती है। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, ऑफ कोर्स इसमें मेल और फीमेल दो इंसेक्ट होते हैं, एक होता है मेल दूसरा होता है फीमेल। इनकी कुछ खास बात होती है। देखो, जैसे एक खास बात यह है कि जो मेल होता है इसके पंख होते हैं, इसके विंग्स होते हैं, जबकि इसके पंख नहीं होते। जो फीमेल होता है, फीमेल के पास कोई भी पंख नहीं होते। इसके अलावा जो मेल होता है इसके पास पैर भी होते हैं चलने के लिए, जबकि इसके पास पैर नहीं होते। सेकेंड बात, इसका जो साइज होता है, मेल का साइज, मेल साइज में छोटा होता है, स्मॉल होता है, जबकि जो फीमेल होता है साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। जो मेल होता है वो कम रेजिन को सिक्रेट करता है, क्या करता है, कम रेजिन सिक्रेट करता है, जबकि फीमेल जो है वो ज्यादा रेजिन क्या करता है, सिक्रेट करता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है मेल और फीमेल के बारे में। जबकि जो मेल होता है वो पिंक कलर का, इसका करीब करीब साइज, उसका जो कलर होता है इसका साइज पिंक कलर का होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है लैग इंसेक्ट के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ खास पॉइंट, जैसे कि लैक एक रेजिनस सिक्रेशन होता है, चिपचिपा पदार्थ वाला सिक्रेशन होता है जो कि सिक्रेट होता है लेसिफर या फिर लैक इंसेक्ट की ग्लैंड से। ठीक है, द इंसेक्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लैक इंसेक्ट है वो एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट बोले तो एक परजीवी इंसेक्ट है, एक परजीवी जीव होता है जो कि किन किन की पत्तियों पे, कुसुम की पत्तियों पे, बबूल की पत्तियों पे, बेर की पत्तियों पे, पलाश की पत्तियों पे और पीपल की पत्तियों पे जनरली लैक इंसेक्ट रहना पसंद करता है। लैक इंसेक्ट को इनसे बहुत मोहब्बत होती है, बहुत प्यार होता है। ठीक है, ये इनके बॉटनिकल नेम यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे कि जो सेरिकल्चर है, जो सेरिकल्चर का कीट होता है वो सैतूत की पत्तियों पे रहता है, वैसे लैक जो इंसेक्ट होता है वो कुसुम, बबूल, बेर, पलाश और पीपल की पत्तियों पे रहना पसंद करता है। एक पैरासाइट जीव है और क्या करता है, ये एक रेजिन यानी एक गोंद, आप मैं कहूँ गोंद या फिर चिपचिपा पदार्थ जो है स्रावित करता है। इसके पास कुछ जो है इसको सिक्रेट करने के लिए कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, ग्लैंड से सिक्रेट करता है ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, और मैं आपको बताऊं अगर यहाँ पे लैक इंसेक्ट के बारे में अगर दो चार और बातें कहें, तो लैक इंसेक्ट जो है वो गम या फिर चिपचिपा पदार्थ सिक्रेट करते हैं, जो कि जो लैक इंसेक्ट होता है उसके चारों ओर जो है एक एक मोटी सी लेयर जम जाती है, जो कि उस
एक से लेके 2 इंच की एक जो है लेयर जम जाती है, ठीक है, और यही लेयर धीरे धीरे उन प्लांट्स की ब्रांचेस में फैलती जाती है, और उन ब्रांचेस को काट के बाद में कहाँ डाला जाता है, गर्म पानी में डाला जाता है, और डालने के बाद उसको लैग को अलग किया जाता है। अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ लैग इन इंडिया कौन सा है, झारखंड, MS धोनी का राज्य, जहां से धोनी साहब बिलोंग करते हैं वहीं से है, ठीक है। सबसे ज्यादा लैग भारत में झारखंड में होता है, उसके बाद मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल यानी सौरभ गांगुली का जो स्टेट है वहां से होता है, उसके बाद सचिन तेंदुलकर स्टेट यानी कि महाराष्ट्र से उसके बाद होता है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का टॉप नंबर पे इसका सबसे टॉप प्रोड्यूसिंग लैग प्रोड्यूसिंग कंट्री है, उसके बाद थाईलैंड का आता है, किसका आता है, थाईलैंड का उसके बाद नंबर आता है, उसके बाद सबसे पहले किसका आता है, इंडिया का, उसके बाद थाईलैंड का। देखो आपको जान के हैरानी होगी कि करीब करीब पूरे लैग पूरे वर्ल्ड में जितना लैग प्रोड्यूस होता है उसका 70 से लेके 80% जो प्रोडक्शन है वो अकेले इंडिया में होता है। कहाँ होता है, अकेले इंडिया में होता है, बाकी करीब करीब 15 से लेके 20% जो है थाईलैंड में होता है, और बाकी जो है वो और कंट्रीज में होता है, ठीक है। पूरे भारत में कहाँ होता है, झारखंड में। झारखंड में ज़्यादा होने का रीज़न ये है क्योंकि झारखंड में ये जो प्लांट है ना, जैसे बबूल, पीपल, पलाश, वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे लैग कल्चर ज़्यादा होता है, ठीक है। द लैग इज सीक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ लैग ग्लैंड, जो लैग से जो चिपचिपा पदार्थ सीक्रेट होता है लैग इंसेक्ट से, लैग की इसके इसमें कुछ ग्लैंड्स मिलती हैं, वहीं से ये सीक्रेट होता है, ठीक है। उसको सीक्रेशन के बाद ये अपनी बॉडी को चारों ओर से उस चिपचिपे पदार्थ से कवर कर लेता है, अभी मैंने बता दिया था। और जो लैग होता है इसका मेन यूज होता है प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, पेपर को छापने के लिए, और ग्रामोफोन बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज किया जाता है, वार्निश बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, पॉलिश बनाने के लिए, चूड़ियां बनाने के लिए, अदर बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम्स बनाने के लिए इसके अलावा जो है इसका यूज होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वायर को, जो वायर को जो हम जोड़ने का काम करते हैं, रेडियो में आपने देखा होगा जब किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कोई वायर जो है टूट जाता है किसी टीवी के अंदर, तो उसको जो जोड़ने का सोल्डर का काम किया जाता है, उसको सोल्ड करने का, जोड़ने का, वो जो है उसमें भी लैग का यूज होता है, ठीक है। और एक और बात आपको याद रखनी है, कोई आपसे पूछे कि भारत में लैग रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से स्टेट में है, लैग रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से स्टेट में है, तो वो है कहाँ पे, रांची में। कहाँ पे है, रांची में, और रांची कहाँ पे है, झारखंड में। कैसे याद रखना है, धोनी से, ठीक है। तो लैग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि LRI कहाँ पे है, रांची में, झारखंड में, और ये सब लैग के बारे में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।